सो गाइज, आज अभी इसी वक्त टाइम आप लोग देख लीजिए और हमारे यहाँ पर 9000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और उसकी खुशी में ये लोग झूम रहे हैं। आपने बढ़ाया, यूं ही बढ़ाया नहीं हूँ। आप लोग हमारी मम्मी की बात की लाज रख लीजिएगा और आप भी सुन रहे हैं। सो अभी ये यहाँ पे फिर से आज माला बना रहे थे भगवान जी के लिए और आज इन्होंने थोड़ा मिक्स्ड कलर के बनाया, मीन्स वो मल्टी कलर टाइप का कुछ ट्राई किया है इन्होंने, रोज़ और दोनों प्रकार के गेंदे से मिला करके। और आज हम ब्लू कलर के भी फूल चढ़ाने वाले हैं भगवान जी को, तो मतलब टोटल मिला के वहाँ पर सारा कुछ थोड़ा सा मल्टी कलर टाइप का होगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगने वाला है आज। अभी का लुक ये है और पूजा करने के बाद हम दिखाएंगे कि पूजा करने के बाद यहाँ का लुक कैसा होगा, ठीक है। सनातन धर्म की जय, सांचे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, हर भोला हरे हरे महादेव, जयकारा श्री बोलो, साचे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय।
पहले फोटो हो जाए। आप लोग आ गए बड़े शॉर्ट नोटिस में आए पर आए। मैं तो ड्यूटी से आया हूँ और आने के बाद में बस आप जहाँ के बात हो पूछते हैं। हाँ मैं पुलिस कंट्रोल रूम में हूँ। जहाँ के बात हाँ जाइए रहना बिल्कुल मार के हाँ अभी तो गलवा भी नहीं करे अच्छे से। हाँ भैया को देख के लग रहा था करते होंगे। चलो छैया छैया हो सो गाइज आज की पूजन और भजन वगैरह सब हो चुका है। इतना मजा आया आज खूब धमाल मचा है। और अभी हम लोग सभी लोग निकल रहे हैं डिनर के लिए। आज डिनर बाहर मम्मी का व्रत है तो हमने कहा कि यार कुछ बनाते नहीं है हम लोग चलते हैं बाहर फिलहाल। तो वैसे टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है 11:30 के आसपास हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास होने वाला है। पर देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भोपाल है यार यहाँ इतनी जल्दी तो कुछ भी बंद होता ही नहीं है। लेकिन आज तो बहुत मज़ा आया है सच में। आज काफ़ी लोग आए थे और आज की हमने थीम रखी थी लाइट पिंक कलर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो भी थीम रखते हैं उसमें सब लोग आते हैं ना तो चार चांद लग जाते हैं। सब लोग इतने प्यारे लग रहे थे इतने अच्छे लग रहे थे और पूरा आनंद लिए हैं भजन का डांस का बहुत मज़ा आई। जितना भी टाइम देते हैं ना हमारे लिए वो ही बहुत होता है। तो चले हम लोगों ने चेंज भी नहीं किया इसलिए ये रहा आज मेरा लुक और ये रही इनका लुक। ये है जया। खैर ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फिलहाल चलते हैं नहीं तो पेट पूजा करना नहीं हो पाएगा आज। सभी हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में। एक्चुअली हमारा रेस्टोरेंट हमारे घर के जस्ट बगल में ही है मतलब उधर साइड हमारा घर है और इधर ये रेस्टोरेंट है तो हम लोग अभी यहीं आ गए हैं पास में खा लेते हैं बिकॉज अभी इतनी रात में ना कहीं दूर जाने का कोई मतलब नहीं और यहाँ का भी टेस्ट बहुत अच्छा है। आई थिंक यहाँ पे गणेश जी वाओ गणपति बप्पा मोरिया कितना अच्छा लगता है ना गणेश जी के समय। सो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है और क्या ऑर्डर किया हमने कढ़ाई पनीर और तंदूरी बटर रोटी। अरे बाहर निकलते हैं तो मुझे तो पनीर ही चाहिए इससे बेस्ट कुछ नहीं एंड आई लव यू। देखा इन्हें पनीर से प्यार और मुझे इनसे आपसे भी आपसे भी आ गया आज आपसे भी आपकी बात अलग है और खाने वाले चीजों की बात अलग है। अरे गाइस ये ऐसे ही मुझे फंसा देते। सो गाइज आज हम लोग आ गए हैं शिव शंभू फैमिली रेस्टोरेंट जो कि है अयोध्या बाईपास पे जिंदल हॉस्पिटल के बगल में मतलब हमारी कॉलोनी के जस्ट बगल में। हमने को बहुत दिनों से चल रहा था इनका कि चलिए 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 वहाँ आज फाइनली मौका मिला है तो आज यहाँ का टेस्ट देखते हैं कि कैसा है और अच्छा लगेगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। एंड
अगर अच्छा लगेगा आपके साथ शेयर करें तो आप लोग आकर ज़रूर विज़िट करिएगा एंड फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर आ गई सब्ज़ी हमारी और इतनी ज़ोर की भूख लगी थी कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा टेस्टी है ना, लोग लेना भूल गए, खाना शुरू कर दिया कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी है गाइस, आप लोग आकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा। तो गाइस ये रही आपकी अयोध्या बाईपास रोड और ये है रेस्टोरेंट, कौन सा है, शिव शंभु फैमिली रेस्टोरेंट। सबसे अच्छी बात है प्योर वेज है ना, पेट भरा गया ना अच्छे से, क्यों पेट भरा गया अच्छे से, चलें अब। हाँ बैठ जाइए। सो अभी हम लोग आ गए हैं घर और अब हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, जो कि दी और भैया लेकर के आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे और फर्स्ट टाइम ही उन्होंने गिफ्ट लेकर आया हमारे लिए। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमने उन्हें भी थैंक यू बोला था, अभी फिर से बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, बट आप हमारे कहने पर आ गए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था क्योंकि शॉर्ट नोटिस, सही बात है। थैंक यू सो मच अलका दीप एंड भैया, और अभी हम दिखाते हैं कि इसमें है क्या, प्लीज आप अनबॉक्स। तो हम लोग करने जा रहे हैं इसका गिफ्ट अनबॉक्स। जैसे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी अभी। ये बहुत लकी होता है, घर पे जरूर रहना चाहिए और सबसे अच्छी चीज है कि गिफ्टेड ही होना चाहिए और फर्स्ट टाइम हमें ये गिफ्ट मिला, मतलब हमारा गुड लक आने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स अ साइन ऑफ गुड लक। इसको कितना पसंद आया था ना शॉप में जब हम लोग देख रहे थे, तो कितनी खुश हो गई। वाओ बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और ये सारी चीजें घर पे होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अब हमारा समय बदलने वाला है अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सच अ लवली गिफ्ट।